उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में मार्च में हुई बारिश और प्रयागराज में पड़े ओले के चलते किसानों की फसल चौपट हो जाने के मामले में तुरंत मुआवजा दिए जाने और क्रूड ऑयल के दामों में लगातार कमी के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा इसका लाभ जनता को ना देकर तेल कंपनियों को सीधे फायदा देने के उद्देश्य से 3% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर जिला कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार को ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर सरकार जनता के हितों को अनदेखी करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में कमी के बाद भी लोगों को लगने लगा था कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करके महंगाई से जूझ रही आम जनता को कुछ राहत देगी, लेकिन पूंजीपतियों और तेल कंपनियों के दबाव में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पहले से भी करा रही जनता को एक बार फिर झटका दिया है। 2014 में कांग्रेस ने जो टैक्स बढ़ाया था उसके आज की तुलना में 28 रुपये ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। तेल के दाम जैसे कि उपाध्यक्ष जी ने बताया, देश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर बैरल कम हो गया है। यहाँ तेल के दाम 50 रुपये के नीचे होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा मोदी सरकार 3 रुपये हमारे जनता से उनके जेब से निकालकर अपने अमीरों धन्ना सेठों को पहुँचा रहा है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। कांग्रेस के दबाव में जब उनको लगा कि कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर उभर रही है तो आज वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे गन्ने के दाम उन्होंने बोला और हमारे कांग्रेस प्रभारी लोग गए थे, आज तक गन्ने का दाम नहीं दिया। तो ये फ्रॉड और झूठ का दबाव, कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी और आंदोलन करने के लिए बाध्य है। वहीं कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में बारिश और ओले गिरने की वजह से किसान की फसल न सिर्फ खराब हो गई है बल्कि हजारों किसानों के सामने भूखमरी का संकट पैदा कर दिया है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार अभी तक सिर्फ फसलों का नुकसान के आकलन तक ही सीमित रह गई है। इस दौरान कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तत्काल अमल नहीं किया गया, कांग्रेसी सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। ओलावृष्टि में किसानों का जो नुकसान हुआ है, नुकसान क्या, किसान तबाह हो गया है। आज किसान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर है। जहां एक ओर कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया था, उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस का मांग पत्र को भी राहुल गांधी के बार बार प्रधानमंत्री तक को मांग पत्र दिया गया, लेकिन नहीं सुना गया और किसान हमेशा छला गया मोदी के निदान करने के लिए उपरोक्त समस्याओं के समाधान में अपनी सामर्थ्य प्रस्तुत करेंगी। हो गया।